देखो प्यारे बच्चों, आज हम आपको ब्रेल लिपि के बारे में बता रहे हैं। ब्रेल लिपि होती क्या है, इस लिपि से कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं, कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं। तो ये एक टीचिंग मॉडल है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है सबको। इससे ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ते हैं, पूरी हिंदी वर्णमाला लिखी हुई है इसमें, लिखी है, दिख रही है सबको। अच्छा, इसमें होता क्या वो हम बता रहे हैं। पहले ये सुनो कि ब्रेल लिपि आई कहाँ से, सुनिए। तो एक बच्चा था जिसका नाम था लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस में रहता था, फ्रांसीसी था, और इसके पापा की एक फैक्ट्री थी चमड़े की। उस फैक्ट्री में क्या था, ये बच्चा एक बार पहुंच गया, वहां चमड़े की सिलाई होती थी, तो वहां निडल वगैरह पड़ी थी, तो उसने आंख में, बच्चा था, आंख में भोंक ली उसने, उसे मालूम नहीं था कि ऐसा करने पे आंखें खराब हो जाएंगी, तो इस तरीके से उसकी आंखें दोनों क्या हो गई, खराब हो गई, अब वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। अब यानी उसे पढ़ने का शौक बहुत था बच्चे के लिए, तो उसने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, आंखें खराब हुई थी लेकिन दिमाग उसका बहुत ही स्ट्रांग था। 16 साल की उम्र में उसने क्या बना दी, ब्रेल लिपि, क्या बना दी, ब्रेल लिपि, जो कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं वो छू कर पढ़ाई अपनी करते हैं। इसमें मेन क्या है, इसमें 6 की है, ये दिख रही है 6 की को बोलना, देखो 1 2 3 4 5 6, ये यानी हर एक पोर्शन में बनी होंगी, एक बॉक्स में 6 यानी खाने बने होंगे, 1 2 3 4 5 6। और पढ़ा कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे, पहले यहाँ पर टच करा जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगर ऐसे कर दोगे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ पहुंच गए, तो वो गलत हो जाएगा, वो आप ये अंधे लोग होते हैं, वो बेचारे बच्चे वो नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आ गया बात, कितनी की होती है, 6 की, जैसे मैंने ये बनाया है। और इनका जन्म कब हुआ था, लुईस ब्रेल का, 4 जनवरी 1809 को ये पैदा हुए थे फ्रांस में, और 1821 में इन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण कर दिया। समय समय पर इसके परिवर्तन भी हुए, अब तो टाइप राइटर भी आ रहे हैं, कंप्यूटर भी आ रहे हैं, जो ब्लाइंड पर्सन यानी उसे चला सकता आ रहा है। तो देखो, मान लो ब्रेल लिपि में 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 6 की हैं, देखो हमने बताया, 1 2 3 4 5 6, तो जो भी यानी बच्चा ब्लाइंड होगा वो ऐसे करके उंगली रखेगा, उस पर ऐसे रखी, ये उठा हुआ पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन है, तो इसको यानी दिमाग में फिट कर लेगा, फिर नीचे लाएगा हाथ ऐसे करके, ऐसे फिर ऊपर दौड़ाएगा हाथ ऐसे करके, इनमें से कोई उठी नहीं है, तो ये उठी हुई है, तो वो पढ़ लेगा, ये संख्या कितनी लिखी है, 1, क्या लिखी है, और इसी को बोलती है ए, अंग्रेजी का जो ABCD है उसका ए अक्षर कहलाता है, इस तरीके से लिख, समझ में आया, इस तरीके से पढ़ते हैं। अब 2 मान लो यानी वो लिखना चाह रहा है, 2 पढ़ना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, लिख भी लेगा, वो पढ़ भी लेगा, और तो वो फिर ऐसे छुएगा, देखो ऐसे आएगा नीचे, तो यहाँ पर देखो पहली वाली कीपर टच करा उसने, ये उठी हुई मिलेगी उसे, दूसरी करी उसने, ये उठी हुई मिलेगी, तीसरी खाली, चौथी खाली, पांचवी खाली, छठी खाली, तो इस तरीके से पढ़ देगा, वो अंक 2 है और अंग्रेजी का अक्षर B। इसी तरीके से सी में देखो, सी में बदल गई की, बदल गई की, तो देखो फिर ऐसे चलेगा, उसने देखा कि 1 वाली उठी हुई है, 2 खाली, 3 खाली, 4 उठी हुई है, 5 खाली, 6 खाली, तो इस तरीके से बता देगा वो अंक कितना है, 3, और अंग्रेजी का अक्षर कितना है, C। समझ में आया। अब जैसे मान लो हिंदी वर्णमाला पढ़ना चाहे वो, तो कैसे पढ़ेगा, जैसे हमने ये अक्षर लिया का, क्या लिया, अब इसमें छुएगा, वो पहली छुएगा, दूसरी छू रहा, तीसरा, पहली वाली क्या उठी हुई है, दूसरी खाली, तीसरी वाली उठी हुई है, और 4 5 6 ये सब खाली है, तो अंधा बच्चा यानी इस पर टच करेगा, ये ऐसा टटोलेगा ऐसे करके, फिर इसको टटोलेगा, ये खाली, इसको टटोलेगा, कहेगा, सोचे
वो दिमाग में दौड़ाएगा एक दो तीन, मतलब कि पहली वाली उठी हुई मिलेगी उसे और तीसरी वाली, बाकी सब खाली, इसका मतलब क्या लिखा, क्या लिखा। इस तरीके से अंधे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। आप लोगों की दोनों आंखें सही सलामत दी है भगवान ने, अल्लाह ने, लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। आपको और जज्बा होना चाहिए पढ़ाई का, उसे तो मालूम ही नहीं दुनिया देखी नहीं है कितनी खूबसूरत है, और जब पढ़ लिख जाओ कितने महल बेहतरीन आपके ऑफिस बने हुए हैं, डीएम कलेक्टर सबको देखा है तुमने, कितनी पावर होती है, लेकिन उसे अंधे को तुम ही मालूम नहीं करोगे, उसे बताओगे तभी पता चलेगा। इसलिए आप लोगों से सबसे क्या चीज है, रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें। तो इस मॉडल से और भी चीजें लिख सकते हो, इसमें पूरी यानी ये स्वर लिखे हैं और ये लिखे तुम्हारे यहाँ से व्यंजन। इन मॉडलों को देखकर या इस मॉडल को देखकर इन की को टच करके आप बता सकते हो कि अंधे बच्चे कितनी मेहनत करते हो। सबके समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच।